उत्तर प्रदेश में आज योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में 9 अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिली। गंगा एक्सप्रेसवे के RFQ और RFP को मंजूरी। 16 जिलों में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी। ललितपुर में नए एयरपोर्ट एयर स्ट्रिप को मंजूरी। छोटे हवाई जहाज के लिए नया एयरपोर्ट बनेगा। 36,230 करोड़ रुपए की गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना 92.20% भूमि का अधिग्रहण हो चुका। 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा, एयर स्ट्रिप बनाया जाएगा। जनपद मेरठ में मेरठ दिल्ली मार्ग पर मेरठ हापुड़ रेल मार्ग के संपार संख्या 55 मेवला फाटक पर बने 4 लेन उपरिगामी सेतु का नाम अतुल माहेश्वरी उपरिगामी सेतु करने का निर्णय लिया सरकार द्वारा। लिया गया सोनभद्र में ओबरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ओबरा थमल पौवर के निकट रेणु नदी पर सेतु निर्माण के कार्य हेतु 73,25,45,000 की स्वीकृति दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से गरीबों के स्वावलंबन के लिए सभी जनहित योजनाओं को सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश में लागू किया है। भारत सरकार के सहयोग से पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ उन योजनाओं को प्रदेश के अंदर लागू किया जो प्रत्येक गरीब के हित के लिए थी, प्रत्येक गरीब के स्वावलंबन के लिए अनिवार्य थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से प्रत्येक गरीब को फ्री में राशन की सुविधा। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने तक राज्य सरकार की तरफ से भी फ्री में राशन उपलब्ध करवाया है। 2020 में भी अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक ऐसे सभी गरीब परिवारों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया गया। इस सरकार की मंशा को स्पष्ट करती है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक लगभग 42 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। 2,61,00,000 से अधिक गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया है। 1,38,00,000 परिवारों को जिनके पास बिजली का अपना कनेक्शन नहीं था, फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। 1,47,00,000 परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति, चाहे वह अनुसूचित जाति जनजाति के हों, पिछड़ी जाति के हों या सामान्य जाति के गरीब छात्रों को भी स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था शासन स्तर पर निरंतर की जा रही है और उसमें निरंतर वृद्धि भी करने का प्रयास हो रहा है। तबलीगी जमात पर कोरोना संक्रमण फैलाने का आरोप लगा था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेब पोर्टल सिर्फ ताकतवर आवाज को सुनते हैं और जज व संस्थाओं के खिलाफ कुछ भी लिखते हैं। यही नहीं, कोर्ट ने कहा कि मीडिया के एक तबके में जो रिपोर्ट दिखाई गई उसमें सांप्रदायिक रंग भी था, यह देश के नाम को खराब कर सकता है। मुलायम सिंह यादव की बहू और समाज सेवी अपर्णा यादव ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुझाव का किया स्वागत। कहा, जस्टिस शेखर यादव को सुझाव पर साधुवाद, प्रस्ताव संसद में आना चाहिए, हर पार्टी को इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए। भारत में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़े। पिछले 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा नए मामले आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 55.77 लाख लाभार्थियों को कुल 836.55 करोड़ रुपए का ऑनलाइन हस्तांतरण किया। इसमें 4.56 लाख नवीन लाभार्थी सम्मिलित हैं। मुख्यमंत्री ने पात्र लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद भी किया। कल उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा व्यापारी दिवस। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में व्यापारी दिवस घोषित करने की मांग की जाएगी। लखनऊ में सहकारिता भवन में कल होगा कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि ग्राम विकास, नगर विकास, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन विभाग अंतर्विभागीय समन्वय के साथ स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा का विशेष अभियान चलाएं। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो, क्लोरीन की गोलियां वितरित की जाए और पंचायती राज और नगर विकास विभाग द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में भी स्वच्छता सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जाए। यह सभी कार्य मिशन मोड में सभी 75 जिलों में तत्काल प्रारंभ कर किए जाएं। यूपी के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक रहे स्वर्गीय विवेक सिंह की पत्नी ने मंजुला सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल। बांदा की रहने वाली है मंजुला सिंह। यूपी के मैनपुरी में रहस्यमयी बुखार से एक महीने में 20 मौत। रहस्यमयी बुखार तेजी से पैर पसार रहा। मूंज गांव में डेंगू और वायरल की दहशत। वायरल फीवर की चपेट में करीब 200 लोग। कानपुर के बिकरू कांड की न्यायिक जांच रिपोर्ट में पुलिसकर्मी दोषी। 10 CO के खिलाफ प्रारंभिक जांच के आदेश। रिपोर्ट में तत्कालीन DIG अनंतदेव तिवारी भी दोषी। विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस लचरता दिखाने का आरोप। रायबरेली में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप। अपहरण कर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, लखनऊ ले जाकर बंधक बनाकर गैंगरेप। पीड़िता की मां ने पुलिस को दी तहरीर। महाराजगंज थाना क्षेत्र की घटना।
मुरादाबाद जयप्रदा पर विवादित टिप्पणी के मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का वायस सैंपल लिया। एमपीएमएलए कोर्ट के आदेश पर लिया गया सैंपल। विवादित टिप्पणी के आरोप में एसटी हसन, आजम खान और अब्दुल्ला आजम सहित 5 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला। अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी अमेठी में कुश्ती का महादंगल कराएंगी। राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी अमेठी को सौंपी है। कुश्ती प्रतियोगिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होकर 19 सितंबर तक चलेगी। यूपी के इटावा जिले में जसवंत नगर कचौरा रोड पर पंचायत विवाद को लेकर 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। विवादों में फंसे बिजनेसमैन राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है। दिल्ली के एक व्यापारी की धोखाधड़ी के आरोपों की शिकायत पर सुनवाई कर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आरोपियों के खिलाफ एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। प्लीज सब्सक्राइब अविरल टाइम्स फॉर लेटेस्ट न्यूज अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।